नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को टाइटल आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार कोऑपरेटिव बैंक जो में जो रिक्रूटमेंट थी उसके एडमिट कार्ड के बारे में, उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर का, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो होप करता हूँ आपकी वजह से वो भी पूरा हो जाएगा। सिर्फ 4 सब्सक्राइबर रह गए हैं उसके अंदर पूरा होने में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपके सामने साइट खोल रखी है सरकारीRESULT.COM। मैं काफ़ी बार आपके सामने साइट खोल चुका हूँ। तो एडमिट कार्ड दोस्तों, एडमिट कार्ड सेक्शन में देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखेगा बिहार कोऑपरेटिव बैंक। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। मैंने आपके सामने खोल रखा है पहले से ही। तो नेम ऑफ पोस्ट है बिहार कोऑपरेटिव बैंक ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021 एडमिट कार्ड यहाँ पर लिख रखा है। जो पोस्ट डेट थी 9th of March थी इसकी, और जो अब अपडेट जो एडमिट कार्ड आया है इसका अभी आ चुका है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। बिहार कोऑपरेटिव बैंक BCB आर रिसेंटली अपलोडेड एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क। दोज कैंडिडेट आर एनरोल्ड इन वैकेंसीज कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड। जिन्होंने भी फॉर्म भरा था एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन फीस थी ₹750, ₹550 SC ST के लिए, और बाकी जनरल OBC और EWS के लिए ₹750 थी। लोगों ने इसकी फी पे कर दी होगी, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी उसका मोड होगा उन्होंने कर दी होगी। दोस्तों, जो एप्लीकेशन शुरू हुई थी वो 9 मार्च को शुरू हुई थी और जो लास्ट डेट थी 26 मार्च थी। और इसका एडमिट कार्ड जो है वो अब आ चुका है दोस्तों, 25 जून से अवेलेबल हो गया था एडमिट कार्ड इसका। दोस्तों, इसकी एज लिमिट थी 21 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 33 ईयर्स, और बाकी एज रिलैक्सेशन जितनी भी आपको मिल सकेगी वो मिल जाएगी कैटेगरी वालों को। दोस्तों, नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। एक तो जनरल की 11 सीटें थी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 82 सीटें जनरल की थी। बाकी इनकी एलिजिबिलिटी यही थी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यही इसकी वो थी जो एलिजिबिलिटी। और एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखा है बिहार स्टेट में अररिया डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया एंड समस्तीपुर। अदर स्टेट ऑप्शन नॉट अवेलेबल। दोस्तों, बिहार स्टेट में ही एग्ज़ाम होगा इसका। और ये सारी सिटीज़ हैं यहाँ पे, 5 सिटीज़, 5-8 सिटीज़ लिखी हैं यहाँ पे, जितनी भी लिखी हैं आप देख सकते हैं इसमें। आप यहीं पे पेपर होगा तो यहीं जो बिहार स्टेट वाले हैं काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा होगा। दोस्तों, मेन बात कर लेते हैं कि इसको जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों डाउनलोड एडमिट कार्ड करके, इसमें एक लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप क्लिक कर देंगे। दोस्तों, मैंने क्लिक कर दिया है वहाँ पर, ये पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा, अभी पेज खोलने वाला है। दोस्तों, आप देख सकते हो ऊपर जो साइट खोलेगी वो खोलेगी ibpsonline.ibpsnic.in करके, क्योंकि जो मेन सारे बैंक्स के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो IBPS ही कंडक्ट कराता है। ये देखिए दोस्तों, ऊपर लिख रखा है ये IBPS की साइट खुल गई है। यहाँ लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। हमें क्या करना है, अगर आपको चेक करना है कि हाउ टू डाउनलोड माई कॉल लेटर, यहाँ पे ऑप्शन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में। तो दोस्तों, इसमें भी ये लिखा है कि जो हमें अपना आपने जब फॉर्म भरा होगा आपको ये सब मिला होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा आपको, आपका पासवर्ड मिला, आपने फॉर्म में पासवर्ड डाला होगा अपना, तो आप वो डालेंगे इसके अंदर। बाकी यहाँ चूज़ करेंगे इंग्लिश हिंदी, मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया है। यहाँ पे इसका जो कोड कैप्चर कोड है वो डालना है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप T9Q8 जैसे दे रखा है यहाँ पे, आपके में अलग आएगा। बाकी फिर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका एक पेज खुल जाएगा और वहाँ पर डाउनलोड सीधा हो जाएगा कॉल लेटर जो है इसका बिहार बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक का। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जितने भी लोग हैं वो एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाले हैं वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि 25 जून से लेके ये शुरू हो गया था और जो 10th of July को ये क्लोज़ हो जाएगा। दैट मीन्स 10th July के बाद आपका कॉल लेटर डाउनलोड नहीं होगा, तो वो कहीं किसी भी साइट से नहीं होगा, क्योंकि जो मेन साइट है IBPS की साइट है जहाँ से डाउनलोड होता है, और 10th of July को डाउनलोड होना बंद हो जाएगा। तो काफ़ी लोग पहले से ही इसको डाउनलोड करके रखें, इसका वेट ना करें कि थोड़े दिन बाद डाउनलोड करेंगे, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये क्लोज हो गया तो, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो भी नई वीडियो आए आप तक पहुँच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।